अस्सलामुअलैकुम। एक भाई ने बहुत पहले कमेंट करके हमें बोले थे, किसी काम के वजह से हम उनको ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। आज थोड़ा मुझे टाइम मिली है तो मैं आज उनके बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने बोला था लेडीज़ पैंट कटिंग के लिए बताने के लिए बोला था। ऐसे उन्होंने ये भी बोला था कि छोटी बच्ची का लेडीज़ पैंट, लेकिन उन्होंने साइज़ नहीं बताया था कि क्या साइज़ का होना था। उस हिसाब से अगर साइज बता देती तो मैं कटिंग कर देता तो उनके लिए बहुत आसानी रहता। वो साइज के हिसाब से देख के कटिंग कर सकते थे, लेकिन तब भी मैं एक अंदाज से एक छोटी बच्ची का नाप के, 9 साल की बच्ची का नाप के मैं बता रहा हूँ कि 34 इंची लंबाई है, 26 इंची कमर है, 34 इंची हिप है, 19 इंची जांघ है, 14 इंची घुटना है, 10 इंची मोड़ी है, 17.5 ये हाई राउंड है यानी यहाँ की गुलाई है। ठीक है, हम आप भी कटिंग करके दिखाते हैं। ये मेरा बड़ा साइज है लेकिन मैं इस पर एक मार्क लगा दूंगा, मार्क के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये सीधा मार्क लगा लेंगे, फिर इसके बाद 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ से 1 इंच बात कर देंगे, ऊपर 1 इंच ले लेंगे, 1.5 इंच का बेल्ट आ जाएगा हमारा। तो हम सबसे पहले 34 इंच का मार्क लगाएंगे। चौंतीस का आधा आता है 17 इंच, तो हम 16 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1 इंच ऊपर लेंगे। ये किस तक है हमारा 17.5, 17.5 का आधा आता है 9.25, 9.25। अभी यहाँ से 2 इंच ऊपर ले लेंगे। अब याद से आप देख लीजिए ताकि आप मिस्टेक ना करें। ये सेब स्केल लेंगे, यहाँ से हल्का मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ लेंगे, ये यह हमारा यहाँ पे जांघ की नाप रहेगी, 19 इंच जांघ है। सबसे पहले हम ये 20 सेंटर लेंगे, 19 का आधा आएगा 9.5 इंच। पहले यहाँ साइड से एक मार्क लगा लेंगे और एक यहाँ मार्क लगा लेंगे, फिर यहाँ से 1.25 इंच में मार्क लगाएंगे। छोटी बच्ची है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले सकते। और यहाँ का एक 20 सेंटर का मार्क लगाएंगे, 4.5 इंच, देख सकते हैं। ये देखिए बीच का सेंटर है, 14 इंची मोड़ी है। ये पैंट बड़ा सा गेट कटा हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जिस हिसाब से मार्क लगा दूंगा उस हिसाब से आप कटिंग करके दूसरा पल्ला उस तरह कट कर सकते हैं। सबसे पहले ये 20 सेंटर में मार्क ले लेंगे। चौदह इंच है, 14 का आधा आएगा 7 इंच, 7 का आधा आएगा 3.5 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे 14 इंच दे दिए। अब मोड़ी 10 इंच है, 10 इंच पे मार्क लगाएंगे। पहले 20 सेंटर में मार्क लगा लेंगे, उसके बाद 2.5 इंच इधर करेंगे, 2.5 इंच इधर। फिर एक सीधा मार्क ले लेंगे यहाँ पे, नीचे 2 इंच मार्क दी रखेंगे मोड़ने के लिए।
लेडीज़ पैंट है, हम इसको यहाँ से सीधा नहीं मारेंगे, यहाँ ये सेफ स्टेप रहेगी, तो यहाँ पे सेफ देंगे। उसके बाद एक यहाँ पे एक सीधा मार्क ले लेंगे, तो ये मार्क से हमने जो यहाँ पे घुटने का जो मार्क लगाया है, पहले यहाँ पे भी एक मार्क ले लेंगे, अभी ये मार्क से यहाँ यहाँ पे सेफ देंगे। जेंट्स पैंट रहता है तो उसमें ज़्यादा सेफ नहीं रहता, लेडीज में सेफ रहेगी, वही कटिंग दिखेगी, तो हम यहाँ पे सेट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेट लेंगे, कमर है 26 इंच, 26 का चौथा हिस्सा रहेगा यानी 6.5, तो आधा इंच इधर छोड़ लेंगे, यहाँ से नापेंगे 6.5, यहाँ एक मार्क लगा लेंगे आधा इंच मार्जिन के लिए, चैन पट्टी जाएगी, यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे एक गोलाई कर लेंगे। यहाँ से लेके हमने ये मार्क लगा लिया है, यहाँ पे इस वजह से ये अंदर जा रही है कि ये साइज किसी और पैंट का है, तो हम अभी ये स्केल के हिसाब से यहाँ जा रही है, तो हम यहाँ पे भी सीधा कर देंगे, यहाँ पे सेफ रहेगा, ये घुटने से ये मोड़ी तक सेफ रहेगा हल्का हल्का, ये मार्क को कट कर देंगे। हमारा 14 इंची ये घुटना है, तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे सेट देंगे, ये मोड़ी से यहाँ पे मिला देंगे, ये मार्क को कट कर देंगे। छब्बीस इंच अब इस हिसाब से आप कट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कट करके सीधा डायरेक्ट नीचे जहाँ तक मार्क लगी है वहाँ तक कट कर लीजिए, नीचे थोड़ा क्रॉस कर लीजिए, ये नीचे थोड़ा क्रॉस करके आप इस हिसाब से कट कर लीजिए जैसे हमने बताया, उस हिसाब से कट कर लीजिएगा, और फिर इसी हिसाब से ये पल्ला साइड में रख लीजिएगा, अब बैक पल्ला इसी हिसाब से हमको काटना है, काटने का तरीका वही है जो पहले मैं बताया, कटिंग में बैक पल्ला मैंने बैठा दिया यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने ये मार्क जितना है उतना ही है मेरा कपड़ा कट गया है, मैं इतना मान के चलता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पे 2.25 इंच लेंगे,
अब नाप के देखेंगे कि ये सामना पल्ला हमारा कितना आ रहा है। चेंज तैयार आ रहा है, ये चेंज पे हम मेजरमेंट पकड़ लेंगे और यहाँ पे आधा इंच छोड़ के 14 इंच, ये देखिए 2.5 इंच दिया है, तो यहाँ पे एकदम मार्जिन जाएगा, तो हमारा ये मार्क सही है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा तैयारी कितनी आ रही है, 9.25 इंच आ रही है, 9.25 इंच पे हम मेजर टेप पकड़ लेंगे और ये 19 इंची है जांग, तो यहाँ पे आधा इंच छोड़ के 19 इंच पकड़ेंगे और यहाँ 9.25 इंची आधा इंची पे मार्क लगा लेंगे। और ये सेव स्केल लेंगे, यहाँ से सेव देंगे इसको, से सेट देंगे। और यहाँ ये जो मार्क है, ये मार्क से आधा इंच नीचे उतारेंगे, फिर से एक बार नाप लेते हैं, ये 9.25 इंच आ रही है और ये आधा इंच हमने नीचे उतारा ना, तो यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, अब ये हमारा ये बेल्ट के पास यहाँ रहता, हम इसको थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से बेल्ट रहेगा हमारा, कट होगा। छब्बीस इंच की कमर है तो यहाँ से आधा इंच छोड़ लेंगे, 26 का चौथा हिस्सा 6.5 आ रही है, यहाँ पे 1 इंच प्लेट के लिए दे देंगे। और 34 इंची हिप है, हम फ्रंट देखेंगे कितना आ रहा है फ्रंट हमारा, ये देखिए 7.5 एक पॉइंट आ रही है, जिस हिसाब से कमर है उस हिसाब से ये बैठ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 इंच इसमें कम करेंगे, तो हम इसको 33 इंच देंगे। ये पल्ला को उठा लेंगे और यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से गोलाई कर लेंगे बैक के लिए, सिलाई इसी पे जाएगी। अब यहाँ से हम पहले इसको मार्क लगा लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारा ये हाई कितना आ रही है, किस तक ये राउंड कितनी आ रही है देख लेते हैं, यहाँ से आधा इंच छोड़ लेंगे, ये आ रही है 6.5 इंच, 1.5 इंच इसमें बेल्ट ज्वाइन कर लिए तो 8 इंच आ रही है। अब यहाँ से नीचे से आधा इंच छोड़ लेंगे, अब ये इसको गोलाई कर लेंगे, फिर से एक बार नाप लेते हैं, 6.5 आ रही है, 6.5 यानी 8.25 आएगी,
यहाँ से पौने आधा इंच यहाँ पे छोड़ लेंगे, 8.5 और यहाँ पे 16.5 पे मार्क लगा लेंगे, और 1 इंच ये 16.5 पे मार्क लगा लिए, आधा इंच नीचे उतारेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का बेल्ट आ जाएगी, यानी 17.5 आ जाएगी। अब इसको हम एक सीधा कर लेंगे, अब ये देख सकते हैं, अब इसके हिसाब से आप कट इन कर सकते हैं। तो कट इन करना है, ये मार्क से यहाँ तक कट इन करना है आपको, यहाँ तक कट इन करना है, यहाँ से ऐसे गोलाई करके यहाँ से, फिर यहाँ 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है आपको, नीचे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेना है। फिर इसके हिसाब से ये कट इन करेंगे तो इसके हिसाब से सीधा कटिंग कर लेना है, और साइड में जैसा ये मार्क है, मार्क के हिसाब से फ्रंट और बैक को कटिंग कर लेना है। और कभी भी आप कमेंट कीजिए या किसी भी, तो साइज भी बता दीजिए, कम से कम कमर का और बेल्ट का, कि कमर का लेंथ का साइज बता दीजिए, उस हिसाब से हम अगर आपको कटिंग करके भी दिखा देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।